वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के केवलधार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह नेता प्रतिपक्ष पर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। विक्रमादित्य सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वो प्रदेश के एक महान नेता थे और उनकी सीख का अनुसरण आज भी लोग करते हैं। उनका दौर कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन जयराम ठाकुर का दौर जल्द ही समाप्त होने वाला है। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर को बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को चुनाव के बाद सराज के स्कूलों में पढ़ाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कंगना को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें सराज के सरकारी स्कूलों में इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट से पाला पड़ा है जिनको इतिहास का कुछ जानकारी ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जयराम जी, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, कृपया करके अपने प्रत्याशी को किसी यहाँ पर गाड़ा गुसैनी के या आपके जो यहाँ का केरोधार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम यहाँ पे इतिहास के कम से कम पाठ तो उनको पढ़ा देना और बताना कि देश कब आजाद हुआ, कब नहीं हुआ, ये अच्छी जानकारी अपने प्रत्याशी को देना। कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी का दौर अब खत्म हो गया है। मैं उनको कहना चाहूंगा, वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे वटवृक्ष थे, एक ऐसे नेता थे जिनकी विचारधारा जीवित होने के साथ साथ, आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जो विचारधारा है आज भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में लोगों के दिल में जीवित है। और मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, ये दौर आते रहते हैं, ये दौर चले जाते हैं, और कोई बड़ा बात नहीं है, कुछ समय बाद जयराम जी का दौर भी प्रदेश के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो अहम आना शुरू हो गया है, जिस तरीके से वो पूर्व में रहे नेताओं के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आज भी ये कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ा ही है, मगर जयराम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ा है। क्योंकि अगर कहीं कंगना जी जीत गई गलती से, तो अगली लंगड़ी जो है मुख्यमंत्री की, जो मारेगी जयराम जी को, वो कंगना रनौत ही मारेगी, कंगना राठौर ही मारेगी। तो इसलिए जितना हितैषी विक्रमादित्य सिंह जयराम का है, उतना और कोई नहीं है, ये बात भी ध्यान।